अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सीरीज़ वी गेम वर्क स्टेशन प्रो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम टूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं वी गेम वर्क स्टेशन के थ्रू। हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऑफलाइन अगर हमने चाहिए हो कि हमने अपनी मर्ज़ी से अगर चाहे कि ना ऑप्शन आ रही हो या फिर कोई इशू हो या फिर हमने उसको लेटेस्ट कोई वी गेम वर्क स्टेशन को के टूल्स को अगर हमें इंस्टॉल करना है तो हम कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे कुछ भी ब्राउज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। हम गूगल ओपन कर लेंगे, यहीं पे हम लिख लेंगे पैकेजेस डॉट वी एम वेयर डॉट कॉम स्लैश टूल्स ईएक्स लेटेस्ट विंडोज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो सा टूल आ रहा है 12.2.0 का, ये 125 MB का होगा, ये ISO इमेज है। हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। टाइम को देखते हुए मैंने इस टूल को पहले ही इंस्टॉल करके अपने पास रख लिया था। सो, अब हम करते हैं इसको, हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। VMware सेशन ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑन हो गया। अब सबसे पहले हम इसको पावर ऑन कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरी मशीन ऑन हो गई है, इसको लॉगिन कर लेते हैं। दिस पीसी माय कंप्यूटर, हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक हो गया, अभी यहाँ पर हमारे पास कोई नहीं अटैच। उसके लास्ट टाइम जो हमने किया था यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्टॉल टूल्स कर लिए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको कनेक्ट करेंगे, ISO इमेज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे वो रखी हुई है। उसके बाद यहाँ से इधर हमने रखी थी डाउनलोड करके, उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया, लास्ट टाइम जो हमने किया था यहाँ से जाके इसको इंस्टॉल VM टूल्स किए थे। अब इसको यहाँ से हम इसको रन कर लेंगे। स्टेप्स वैसे ही होंगे, इसमें ये ज़रा सा एक्स्ट्रा स्टेप आ गया था कि हम ISO इमेज को अटैच करके किस तरह से इसके टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी जितने भी स्टेप्स हैं हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर किया था।
ये वैसे ही इंस्टॉल एनीवे ही करते जाएंगे। ये इंस्टॉल जितने भी ड्राइवर हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।